बीते शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो से आई वीडियो ने सभ्य समाज को सदमे में ला दिया, जिसके बाद एक एक कर कई यूजर्स ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई के संकेत स्पीच इसको लेकर दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, जिन्होंने इस वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो से उचित कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके तुरंत ही बाद DMRC और दिल्ली पुलिस की ओर से जवाब सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और ये केस IPC की धारा 294 के तहत दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की जांच फिलहाल जारी है। दूसरी ओर DMRC ने आश्वासन दिया है कि वो फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती को मेट्रो में बढ़ाएगी। DMRC ने मेट्रो में यात्रा करने वालों से भी अपील की है कि मेट्रो में यात्रा करते वक्त अगर उन्हें कोई आपत्तिजनक बर्ताव नजर आता है तो तुरंत DMRC हेल्पलाइन को बता सकते हैं और कॉरिडोर स्टेशन समय की जानकारी भी दी जा सकती है, ताकि जरूरी कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में मास्टरबेशन और ओरल सेक्स की वीडियो ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो अब अपने परिवार के साथ दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल ऐसी वीडियो को रोकने के लिए बड़े एक्शन की जरूरत है। आपको चलते चलते ये भी बता देते हैं कि मास्टरबेशन करने वाले लड़के के साथ पुलिस 294 धारा के तहत एक्शन लेगी, जिसमें लड़के को 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर आर्थिक दंड भरना भी उसको पड़ सकता है। साथ ही इस कृत्य पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी वीडियोज़ निकल कर सामने आई हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी ऐसी वीडियो को लेकर कई बार जवाब दिया, लेकिन फिलहाल ऐसी वीडियो अपनी सीमाओं को लांघती हुई नज़र आती हैं। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर आकर बताएँ।